हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में और मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली धानिक। फिल्म द केरला स्टोरी एक और बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर इस साल अप्रैल में रिलीज हुआ था, तभी से ये फिल्म विवादों में बनी हुई है। फिल्म मई में रिलीज हुई थी और विवादों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को शुरुआत में पश्चिम बंगाल में बैन किया गया था और केरल तमिलनाडु में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया था। फिल्म अब थिएटर से हटने वाली है और अब OTT और TV पर इसके लिए पार्टनर्स की खोज की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने कहा था कि उन्हें OTT से अभी कोई खास ऑफर नहीं मिला है और फिल्म इंडस्ट्री मिल के उन्हें सजा देना चाह रही है। हालांकि टाइम्स ने अपने सूत्र के हवाले से लिखा है कि फिल्म के मेकर्स OTT पर अपनी फिल्म स्ट्रीम करने से पहले बहुत बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं, इसी वजह से कोई भी OTT प्लेटफॉर्म अभी ये फिल्म खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। पोर्टल के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमृतलाल शाह ने OTT प्लेटफॉर्म से लगभग 70 से 100 करोड़ रुपये की डिमांड की है कि और सुदीप्तो ने जो बयान दिया है वो बस विक्टिम कार्ड खेलने के लिए किया गया है। अब दोनों खबरों में क्या सच है इसका तो पता नहीं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। धन्यवाद।